तो अभी मैं स्कूल में हूँ, है ना। आप देख रहे होगे मेरा ऊपर का स्कूल का रूम है, ये खाली रहता है बेसिकली, और आप लोग सबसे बतियाने में इधर ही आ जाती हूँ। तो एक चीज़ ये है कि थोड़ा बहुत एंग्जाइटी लग रहा था मेरे को, और मैं आपको ये बात बोली थी कि मैं ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगी अच्छे से, कि ये पीपल प्लीजिंग का एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आप ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना पसंद कर रहे हो बट आप फिर बोलने लग जाते हो, है ना, ताकि उनको कंफर्ट फील हो, बाकियों को कंफर्ट फील हो। तो ये एक सिम्टम है जो आपको अपने ऑफिस में या जहाँ आप रहते हो अपने दोस्तों के संग ये सब पहचानना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे क्या बोल रहे हैं। जो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं बहुत ज़्यादा वही चीज़ें मैनेज भी हो पाती हैं। तो एंग्जाइटी मेरे को लग रही थी और मैं सुबह से बात कर रही हूँ, है ना, एंड लेट्स सी। लेकिन अभी मैं थोड़ी शांत हूँ क्योंकि एक घंटे में छुट्टी हो जाएगी, तो देखते हैं फिर घर पहुँचते हैं, फिर सफाई है बहुत सारी तो उसको भी मैं रिकॉर्ड करूँगी। घर में एंग्शियस तो नहीं रहती मैं, लेकिन यार एंग्जाइटी में एंग्शियस रहने से आई थिंक एक हार्ट रेट आपका ना कंटिन्यूस थोड़ा बहुत बढ़ा रहता है, एंड वही थोड़ा सा खतरे की घंटी है आपके लिए। सो दोस्तों, एज यू कैन सी कि बालों में थोड़ा सा कलर आ गया। ये एक्सपेरिमेंटेशन है जो जिनके मैं जिम जाती हूँ उन्होंने पार्लर खुला हुआ है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो देखिए कैसे। खैर, ये सब बात की बात है। मैं क्या कहना चाह रही थी कि मैंने जिम स्टार्ट किया कि, तो ये सोच के नहीं किया कि मैं इसे बहुत ही बढ़िया लगूंगी, दिखूंगी तो एक नंबर। ये एक तरह का वो है, स्ट्रांगनेस है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करते हो जब आप जिम ज्वाइन करते हो, कि आपके मसल्स वगैरह जब ग्रो करने लग जाते हैं, क्योंकि मैं वो फ्रेजाइल टाइप का चीज़ नहीं फील करना चाहती थी। बोलते ना एक जो कॉन्फिडेंस है ना, मतलब मैं नहीं जानना चाहती हूँ, मैं पहले बहुत थिन हुआ करती थी, तो मैं वो थिननेस में वापस नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मसल्स रहें। इट्स नॉट अबाउट लुक्स, ये आपको ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील कराता है, जो हमारे जैसे इमोशनली थोड़े से वीक लोगों के लिए ठीक है कि जब हम बॉडी बनाने लग जाते हैं, सी हाउ मे बी लॉट मस्कुलर मे बी है, बहुत सारा फैट भी है अभी फिलहाल, गया नहीं है, फेस से दिख रहा होगा आपको कि ये फैट फेस है। इट्स नॉट, खैर दिस इज़ अ प्रोसेस, ये प्रोसेस आप उस प्रोसेस में हो। लेकिन मैं ये कहूँगी कि बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ, गर्ल्स को खासकर, कि जिम में वो फ्रेजाइल बनना चाहते हैं, वो कहते हैं बहुत भारी वेट्स उठाने से डरते हैं कि भाई भारी वेट्स उठाएंगे तो हम थोड़ी मैनली लग जाएंगे, ये वो। इट्स नॉट अबाउट, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप लगेंगे, देखो मुझे नहीं लगता कि आप लगेंगे मैनली, लेकिन ये है कि आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, थोड़ा सा आप मसल टोन हो जाएंगे आपको, आपके थोड़ा सा आप एंगर इशू और बाकी चीज़ें काफ़ी बढ़िया फील करेंगे आप अपने बारे में, बाकी इशूज भी जो हैं वो थोड़े बहुत सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि मेरे मसल्स इतने नहीं बने हैं, ये पूरा फैट है बहुत सारा, बट देखते हैं प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि वज़न का इधर उधर भी नहीं हुआ है, आधा इंच भी इधर उधर नहीं हुआ है, मेरे को डर ही लग रहा है कि भी इतना भी नहीं होता है क्या। खैर, मैं आपको एक दो चीज़ दिखा सकती हूँ कि कैसे फ्लैक्स, भगवान जाने कैसे फ्लैक्स होता है यार, ये बना भी गई भगवान जाने को फैटी है शायद। खैर जो भी हो, ये प्रोसेस है, इससे आप थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग भी फील करते हैं, मैं करती हूँ फील थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग, बढ़िया लगता है आजकल जिम जाना, है ना, और वो सब इश्यूज भी कम हो गए हैं। मैं ट्रैफिक से इतना नहीं डर रही हूँ, जो पहले प्रॉब्लम हुआ कर रही थी ना, अब थोड़ी कम हो गई। हालांकि मैंने कल साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया है, ही वॉज वेरी गुड, आई डोंट नो दी साइकेट्रिस्ट, सम साइकेट्रिस्ट आर वेरी गुड,
स्पेशली द ओल्डर वंस। आई थिंक ओल्ड एज में आपको थोड़ा सा रूडनेस कम होना चाहिए, बट इनके साथ उल्टा ही था बेचारे, बहुत रूड थे। मैंने कहा ठीक है सर, थोड़ा सा को बात होता है। मेरे को लगा था कि मैं ही उनको काउंसलिंग कर दूँ, बेचारे कर रहे थे। मैंने काउंसलिंग बताया था कि नहीं नहीं इतना एंग्शियस नहीं होना है, इतना एंग्जाइटी नहीं लेना है, थिंग्स विल उतना समझाओ समझा नहीं रहते, तो मैं अपने मन से ऐड कर ले रही हूँ। बट ये बोलूँगी कि आप जैसा भी एक्सरसाइज है ना घर में स्टार्ट करो, क्योंकि क्या है कि आपका कई रिसर्च कहती हैं कि 1 to 1.5 times मोर रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स देन मेडिसिन। सो आई एम नॉट सेइंग कि मेडिसिन मिल रहा, मैं खुद ले रही हूँ मेडिसिन थोड़ी बहुत, बट कंबाइंड इट विथ योर एक्सरसाइज दैट विल बी गुड इनफ। सो दैट्स इट।